हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी बाइक की वॉशिंग के ऊपर। तो मैंने फील्ड स्टार का जो सिंगल मोटर वाला जो पंप होता है उसको मैंने यूज़ किया था। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो भाई, ये जो वाला पंप है जो इसमें डबल मोटर है, और इसको हम जो है अभी देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। और ये जो है स्पेशली कार या बाइक के वॉशिंग के लिए ही बनाया गया है, उसमें आपको जो कोई एक्सटर्नल जो है कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको मिलती है ये एक काफ़ी लंबी सारी ये पाइप मिलती है आपको। तो ये आउटलेट के लिए है और ये इनलेट के लिए है। तो इनलेट के लिए भी जो पाइप है ये काफ़ी लंबी है। और साथ में आपको मिलती है ये एक स्प्रे गन, तो यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तभी इसका पानी जो है आएगा। और इसी के साथ ही आपको जो है एक शैम्पू मिलता है आपकी कार या बाइक को वॉश करने के लिए। तो क्या जब भी बात करते हैं इसके मेन कंटेंट की, तो ऐसे बुक्स में आता है ये। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। ये कुछ पेपर वर्क है, इसको साइड पे करते हैं। तो इस पावर सोर्स के लिए आपको मिलता है ये एक सिगरेट लाइटर पोर्ट, तो इसको जो आप कनेक्ट करके अपनी गाड़ी में लगा के इस पंप को जो है चला सकते हैं। और अगर आप 220 वोल्ट वाली जो एसी सप्लाई होती है घर वाली, उस पर जो इसको चलाना चाहते हैं तो आपको ये जो है अडेप्टर मिलता है एक इसको साथ लगाने के लिए। तो इसकी मदद से आप इसको जो है 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे चला सकते हैं। तो गाइस, ये है हमारा मेन जो इंटेलिजेंट वाटर पंप है। तो गाइस, इस पर आपको जो है यहाँ पर 12 वोल्ट की जो सप्लाई इनपुट सप्लाई जो है यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। और साथ में इसके जो है ये दो बटन आपको मिल जाते हैं। एक्चुअली इसमें दो मोटर्स हैं, तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलते हैं। तो आप चाहें तो एक का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो आप दोनों का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो मोटर्स हैं। यहाँ पर आपको जो है इनलेट पोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर जो पाइप लगेगी उसको हम बकेट में डिप करेंगे और दूसरी साइड से पानी जो है प्रेशर से बाहर आएगा। तो क्या यहाँ पर आपको जो कुछ अटैचमेंट्स मिलती है इसको लगाने के लिए, तो इसको फिक्स करने के लिए अटैचमेंट्स का हम जो है यूज़ करेंगे। और साथ में आपको जो है कुछ वॉशर्स वगैरह मिलती है। तो चलिए गाइस, अभी इसको जो है फिक्स करते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो इनलेट की इसकी पाइप है उसको लगाते हैं। तो इसके एक एंड पे जो है हम मेश वाली डिब्बी लगाते हैं, तो इसमें जो है जाली बनी हुई है, मतलब कुछ अगर आपके जो पानी में कुछ ऐसे कंकर वगैरह है तो ये उसको जो है अंदर नहीं जाने देता, तो इसको जो है लगाना जरूरी है। तो इसको मैं पहले एक साइड पर लगा लेता हूँ। और गाइस, इसके दूसरे एंड पे लगाने के लिए आपको ऐसे कुछ अटैचमेंट्स मिलती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर इसे ऐसे डालना है इसको, और यहाँ पर क्लंप को ऐसे फिक्स कर देना है। तो कुछ इस टाइप से जो आपकी पाइप है ऐसे फिट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको जो है क्लंप को ऐसे टाइट कर देना है। और गाइस, आपको ऐसी अटैचमेंट मिलती है, तो इसमें आपको जो एक प्लास्टिक की जो वॉशर इसके साथ आती है उसको डालना है, उसके बाद इसको जो है टाइट कर देना है इनलेट पोर्ट में। और इसके बाद आपको जो है इनलेट पाइप को ऐसे लगा देना है। तो इसके बाद हम जो है इसकी आउट वाली पाइप को लगाते हैं। तो गाइस, आउट की पाइप को लगाने के लिए आपको जो है दो जो है इस प्रकार के जो प्लास्टिक का अटैचमेंट मिलते हैं, एक यहाँ पर आपको जो है स्प्रे गन में लगेगा और दूसरा जो है आपके जो मेन जो आपका पंप है उसके आउट वाले जो पोर्ट है उसमें लगेगा। और इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको जो है दो वॉशर मिलती है, तो इन वॉशर्स को डालना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं डालते तो आपका जो पानी है यहाँ से लीक करेगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको जो है डाल दिया है वॉशर को। अभी मैं इसको जो है टाइट कर दूंगा वाटर पंप के जो आउट वाली पोर्ट में। तो भाई, यहाँ से आपको जो है अच्छे से टाइट करना है, अगर ये लूज रहेगा यहाँ से तो यहाँ से जो है पानी लीक करने की संभावना होती है। सेम गाइस, दूसरी साइड में भी आपको जो है एक वॉशर डालनी है इसके अंदर, और इसको जो है स्प्रे गन के नीचे लगा देना है आपको। तो इसके बाद आपको जो है पाइप को ऐसे जो है पुश करके ऐसे लगा देना है, तो एक क्लिक की ये साउंड करता है। तो इस प्रकार से ये फिक्स हो चुका है। और इस पाइप का दूसरा एंड जो है आपको वाटर के आउट वाली पोर्ट में लगा देना है इस प्रकार से। तो गाइस, अभी हमारा ये सब कुछ जो है फिक्स हो चुका है, अभी हम जो है इसको पावर देंगे। तो गाइस, सिगरेट लाइटर पोर्ट वाली जो वायर है जो इसके साथ मिलती है, तो इसका दूसरे वाला एंड जो है इसके जो यहाँ पर 12 वोल्ट की यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको आपको लगा देना है। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप जो है डायरेक्ट इसको जो है गाड़ी की सॉकेट में लगा सकते हैं 12 वोल्ट की। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप जो है सिगरेट लाइटर पोर्ट को जो यहाँ पर जो है आपको अडेप्टर मिलता है, तो यहाँ पर आपकी सिगरेट लाइट पोर्ट जो है चली जाएगी, और यहाँ पर आप जो है इसको एसी सप्लाई 220 वोल्ट की आप जो है दे दोगे। तो इस टाइप से आपको जो है एक और वायर मिलती है यहाँ पर लगाने के लिए, तो इसको यहाँ पर लगाना है आपको, और जो दूसरी साइड में आपको जो है 220 वोल्ट जैसे आपकी जो घर वाली सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उस पर आपको जो है लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इस पोर्ट में जो है ये रेड लाइट अभी चालू हो चुकी है, मतलब इसकी जो करंट इसमें आ रहा है। अब इसको जो ऑन करके देखते हैं। तो गाइस, वायर काफ़ी लंबी है, मतलब अगर आपका पावर सोर्स काफ़ी दूर है तो भी ऐसे आपको जो है यहाँ पर लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पंप इसको जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर कम चाहिए तो आप सिंगल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आप दोनों पंप को जो है ऑन करके जो है इसको चलाइएगा। तो गाइस, एक बाल्टी में पानी लेके मैं इसकी जो इनलेट वाली पाइप है उसको डिप कर देता हूँ। अभी इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, अभी हम जो है इसको चलाते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपको जो है इसको जो ऑन कर देना है।
और इसके बाद इसका जो स्प्रे गन है उसको आपको प्रेस करना है इस प्रकार से, तो जो है पानी इसमें जो आ जाएगा। अगर ऐसे पानी नहीं आता तो आपको कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो है इन जो इनलेट वाला जो आपका पोर्ट होता है उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। तो अगर आपका पानी ऐसे ना आए तो आप जो है इनलेट पोर्ट में थोड़ा सा पानी डालिएगा। तो क्योंकि स्प्रे गन को अगर आप हाफ प्रेस करके रखते हो तो ये स्प्रे करती है पानी को, अगर आप इसको फुल प्रेस कर देते हो तो ये प्रेशर से ऐसे पानी डालती है। और इसको छोड़ने के बाद ये जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, मतलब आपको कोई भी ऐसे स्विच वगैरह को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइस काफ़ी हाई प्रेशर है इसका, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स को। तो गाइस बाइक को थोड़ा सा वॉश करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं ये प्रेशर से मतलब कोई भी मिट्टी विट्टी वगैरह जो आपकी आसानी से चली जाती है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसके इंजन साइड में कैसी मिट्टी वगैरह लगी हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हो कितनी इजीली इसने जो मिट्टी विट्टी वगैरह वो चली गई है अभी। तो वैसे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इसका इनफ है, मतलब आपकी गाड़ी वगैरह की मिट्टी विट्टी वगैरह वो हटाने के लिए इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी जो जो स्प्रे वाली गन है उसको अगर आप हाफ प्रेस करते हो, स्प्रे भी करती है, और जो इसको जो फुल प्रेस करते हो, तो ये वाला जो फंक्शन है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अगर आपको जो है प्रेशर चाहिए तो आप इसको फुल प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे फोम वॉश चाहिए तो आप इसको जो हाफ प्रेस करके रखिएगा। तो ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी। तो कैसे बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस का जो है 2700 रुपये है। तो आप देख सकते हैं इतना कुछ मतलब इसके साथ है, मतलब कंटेंट वगैरह इतना दे रहे हैं, इतनी लंबी पाइप दे रहे हैं, और साथ में अडैप्टर मिल रहा है आपको एसी से जो 12 वोल्ट है डीसी सप्लाई का। तो वैसे अगर आप ये अडैप्टर ही खरीदने जाओगे मार्केट में तो ये आपको जो है 500 से 700 के बीच में तो ये अडैप्टर ही आपको मिलेगा, और इसके साथ ही आपको एक शैम्पू मिलता है, मतलब इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके में आपको जो है सिंगल मोटर मिलती है। तो इसी प्राइस रेंज में आपको जो है 2700 जो 2800 के में जो आपको जो दूसरी कंपनी का सिंगल मोटर वाला मिल रहा है, तो ये आपको डबल मोटर वाला मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। तो अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो लिंक इसका मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो वैसे अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, आप तभी पैसे दीजिएगा जब आपके पास ये प्रोडक्ट जो है पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बाइक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।